हाय गाइस, तो आज का वीडियो आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए रहेगा। आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि है अपने सामने जवाहर भाई, जो 9.9 इंडिया के ही पार्टनर है, लेकिन वो काफी टाइम से आए नहीं थे। निशांत भाई देखे तो निशांत भाई के ही भाई है वो, तो अभी बताएंगे। तो जवाहर भाई, सबसे पहले वेलकम आपका चैनल पे। तो निशांत भाई, आपका बताइए कि कितने साल से आप ये फ्लावर लोन इंडस्ट्री में है और क्या फ्लावर लोन में कैसे करते क्या है? मैं और निशान पिछले 8 साल से ये फ्लावर ऑन हॉबी में है। हम लोग ये फ्लावर ऑन हॉबी को काफ़ी सालों से प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। और मतलब पहले कुछ सालों से मतलब लोगों को पता नहीं था कि फ्लावर ऑन की क्वालिटी कैसी रहती है, क्या फीचर्स रहते हैं उसके, ये सब हम लोग मतलब लोगों को एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। काफी सारी वैरायटी जैसे पांपा के, SRD में भी अलग अलग वैरायटी। तो जवाहर भाई, आप फ्लावर ऑन 8 साल से कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपने 8 साल में कितनी वैरायटीज और अभी भी कितनी वैरायटीज अवेलेबल है शॉप पे भी, और आपने कितने टाइप की वैरायटीज होती है देखा है वो जरा आपने व्यूअर्स को बताइए। फ्लावर ऑन में भी काफ़ी सारी टाइप की वैरायटीज है, जैसे SRD है, फिर KM है, फिर रेड मंकी है, फिर उसके अलावा सेंसो है, ये सब वैरायटीज तो जवाहर भाई, SRD और कॉम्फर्ट में क्या डिफरेंशिएटर है और कैसे मतलब क्या लोग के अंदर स्पेशलिटी है जो दोनों के अंदर जो दोनों को एक डिफरेंट बनाती है स्पेशल बनाती है? काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं जो मतलब आप काफ़ी मतलब लोगों को देख देख के सीख के और जिसकी आई स्ट्रेन हो जाती है वो देख के मालूम पड़ जाता है। जैसे बॉडी शेप है, फेस है, हेड है और टेल है, फिनेज है, इससे कॉम्फा और SRD समझ में आता है। लेकिन समझ में आने के लिए काफ़ी आई स्ट्रेन होना चाहिए। नॉर्मली तो SRD जो रहती है वो रेड एंड वाइट कलर में आती है और कॉम्फस मल्टी कलर में। इसके बारे में हम लोग कभी डिटेल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, मैं उसको पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो जवाहर भाई, ओवर द 8 ईयर्स आप कर रहे हैं फ्लावर ऑन में, तो उसमें अभी क्या डिफरेंस मतलब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फ्लावर ऑन हॉबीज वगैरह फिशेज एक्वेरियम हॉबी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, तो उसके ऊपर से आपको क्या एक्सपीरियंस आया है फ्लावर ऑन में? ये 8 ईयर्स पहले जब हम लोग फ्लावर ऑन लेके आए थे इंडिया में, तो जब मतलब नॉर्मली आप देखते थे तो लो क्वालिटी ही फ्लावर ऑन सब लोग लेके आते थे, लो क्वालिटी कॉम्फा, लो क्वालिटी की SRD आती। लेकिन हम लोग ने पिछले 8 सालों में देखे कि इंडिया की जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ी मार्केट है जो फ्लावर ऑन मार्केट है, और हम लोग ने देखे वन ऑफ द बेस्ट फिशेज जो हम लोग ने भी अलहमदिल्ला मतलब इंडिया में उतारे, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्फाज इन द वर्ल्ड, ये हम लोग ने भी इंडिया में ला चुके हैं। इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है इसका, तो काफ़ी ज़्यादा है मतलब। अभी कैसे है कि अभी बहुत सारी हाई क्वालिटी इसकी कंपास आने लग गई है, हाई क्वालिटी की SRD आने लग गई है, लेकिन अगर आप पहले देखते थे 8 साल 9 साल पहले तो मतलब नॉर्मली आपको एकदम लो ग्रेड की SRD या लो ग्रेड कंपास ही दिखती थी मार्केट। तो अभी काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी इम्प्रूव हो गया और बायर उड़ चुके हुए हैं और बायर्स को भी पता चला है। पहले जैसे कि गूगल जैसा करते थे, गूगल की फिशेज सिर्फ गूगल पे दिखती थी, अब रियलिटी में भी आपको गूगल की पीछे इंडिया में आपको इंशाल्लाह दिख जाएगी। ओके ओके, अभी कोई आता है जैसे कि आपको फोटोस भेजा तो वैसे फिशेज अवेलेबल करके हम लोग दे सकते हैं, हम लोग लेके आके दे सकते हैं सबको। तो जवाहर भाई, एक हॉबीस्ट है जो भी एक्वेरियम हॉबीस्ट है जिसको फिश खरीदे, तो सबसे पहले आता है कि उसको एक अच्छी फिश खरीदने का क्या स्टेप्स है आपने व्यूअर्स को बता देते? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा जो ट्रस्टवर्दी सेलर ट्रस्टवर्दी इम्पोर्टर से आप अपनी फिश हो, जो फिश है वो जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं आपको भी पता होना चाहिए कि आप कौन से टाइप की फिश खरीद रहे हो, और आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज होना भी ज़रूरी है कि क्या क्वालिटी है क्या नहीं, क्योंकि जैसे है कि मार्केट में काफ़ी सारी मैं जैसे बताया कि लो क्वालिटी की भी फ्लावर ऑन अवेलेबल रहती है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए।
तो पहला प्रोसेस क्या है, एक सिलेक्शन, एक हॉबीज कलेक्ट करते, तो पहला चीज क्या देखना चाहिए उसका? उसको बॉडी शेप देखना चाहिए, फिश का कलर देखना चाहिए, उसके अलावा फिश का मूवमेंट देखना चाहिए। तो मतलब पहले इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज फिश का जींस के ऊपर। फिश का जींस तो अच्छा ही होना चाहिए। फिश का जींस कैसे अच्छा है, फिश अगर खूबसूरत है, उसका बॉडी शेप अच्छा है, टेल अच्छी है, फिनेज अच्छी है, और उसका फेस अच्छा है, उसी से हम लोगों को समझ में आता है कि इसका जींस अच्छा है ये फिश का। अभी जैसे आपने हमारे यहाँ पे SRD भी जो कवर किए, वो SRD मतलब अच्छे जीन की है। SRD मतलब SRD में आप देखेंगे तो कि काफ़ी सारी SRD जो रहती है उनका फेस मतलब ऐसे कि बाहर प्रोट्रूडिंग रहता है, तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं रहता है। लेकिन हमारे पास जो हम लोग SRD भी लेके आते हैं, वो भी मतलब उसका भी शेप, उसका फिनेज, उसका फेस, माउथ, ये सब अच्छा रहता है। यही वजह से हम लोग उसको सिलेक्ट, वो भी सब हम लोग सिलेक्टेड ही लेके आते हैं। वहाँ पर हमारा थाईलैंड में पार्टनर है, वो बाकायदा जाता है फार्म पर, सिलेक्ट करता है, वहाँ से लेके आते हैं हम लोग को यहाँ पर सब का। अच्छा, तो जैसे कि देखा आपने, जवान भाई ने बताया कि वहाँ पे एक सिलेक्शन होता है, फिर एक सिलेक्टेड फिशेज यहाँ पे आते हैं, और फिर वो हॉबीज के बारे में। इम्पोर्टेड जीन्स, जीन्स है ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि फिश सिलेक्शन में, और उसकी क्वालिटी जैसे फिन्स हो गया, फिर कलरेशन हो गया, उसका हेड हो गया, तो ये सब बाकी सेकेंड क्राइटेरिया में आता है। तो जवान भाई एक फिश हॉबीज लेके जाता है, एक्वेरियम हॉबीज, फ्लावर हॉबीज, एक फ्लावर लेके जाता है, तो उसको फिर घर पे रख के उसको ग्रूम कैसे करना चाहिए, और क्या चेंजेस, वाटर चेंजेस, वाटर पैरामीटर्स, फीड क्या होना चाहिए, वो ज़रा बता दीजिए। सबसे पहले तो उसको अपने टैंक को प्रिपेयर करना चाहिए, टैंक साइकिल्ड होना चाहिए। ऐसे ही मतलब आपने जैसे पानी जैसे लेके आए फिश टैंक, उसको क्लीन नहीं किए, उसमें पानी भर दिए, पानी भर के फिर उसके बाद में आपने फिश डाल दिए, तो ऐसी यही साइकिल नहीं होने की वजह से फिशेज बढ़ जाती है। मतलब आपके आपको टैंक को प्रॉपरली क्लीन करना है, टैंक को साइकिल करना है, साइकिल करने के बाद ही उसके अंदर आपको फिश डालना है। तो एक साइकिल, वाटर साइकिल होना चाहिए। तो जवाब भाई ये वाटर पैरामीटर्स हो गए, वाटर सब साइकिलिंग हो गया, उसके बाद क्या उसको फीड देना चाहिए, कैसे फीडिंग देना चाहिए फ्लावरों को, कैसा मेंटेन करना चाहिए? फ्लावरों को कम से कम दिन में 2 बार फीडिंग देना चाहिए। मतलब अगर पम्प फीडिंग जल्दी आपको ग्रोथ चाहिए तो कम से कम 4 से 5 टाइम दिन में फीडिंग करना चाहिए। उसमें 2 टाइम ब्लड वॉर्म देना कंपलसरी है। फ्रोजन हो या लाइव हो, ब्लड वॉर्म देना कंपलसरी है। आप ये देखिए कि आपका जो ब्लड वॉर्म्स आप जब से ले रहे हैं, लेके आके स्टेरलाइज करके उसको यूज़ करें फिर, और या तो आप फ्रोजन ले, जो फ्रोजन आता है मार्केट में, ट्यूब्स आते हैं, वो ट्यूब ले सकता है। लेकिन अगर आपका अपनी फिश को अच्छा करना है, फिश के मतलब बॉडी शेप में और उसकी ग्रोथ में, ब्लड वॉर्म्स और पैलेट ये दोनों का मिक्सचर फीड में ज़रूरी है। तो इससे अच्छे काफ़ी ज़्यादा ग्रूम होगी, काफ़ी अच्छी ग्रूम होगी। जैसे ब्लड वॉर्म से उसका बॉडी शेप अच्छा होएगा, तो पैलेट्स वगैरह से वही आप मतलब कलरेशन पे काम कर सकते हैं। तो ऐसा होता है कि नॉर्मली लोग सिर्फ पैलेट ही गिराते रहते हैं, पैलेट गिराते हैं तो मच्छी बढ़ जाती है, लेकिन उसका बॉडी शेप इतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि खाली पैलेट ही दे रहे हो। तो दोनों चीज़ का मिक्सचर होना ज़रूरी है। आप कलर के लिए ये करें, इसीलिए ये जो हमारा 9.9 फूड है, ये हम लोग स्पेशली कलर के लिए हम लोग बताते हैं, क्योंकि कलर आपको इससे मिलेगा आपकी फिश में। मतलब जो एनहेंसर है वो इससे आप यूज़ करके कलर एनहेंस हो जाएगा, लेकिन फिश की जो ग्रोथ है और उसका जो बॉडी शेप है, उसके लिए आपको ब्लड वॉर्म भी देना ज़रूरी है, वो बेटर है। अगर कहीं पे अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप मतलब फीडिंग में पैलेट्स ही ज़्यादा फीड करो, दिन में 3 से 4 टाइम पैलेट्स। मतलब एक 4 से 5 टाइम फीडिंग है, फीडिंग देना चाहिए, ब्लड वॉर्म्स का मिक्सचर होना चाहिए। तो गाइस ये था आज के वीडियो में, जवाहर भाई ने काफ़ी अच्छा बताया कि फ्लावर हॉबीज, जो फ्लावर खरीदने से लेके उसको फीडिंग और वाटर पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, सब जवाहर भाई ने अच्छे से बता दिया। तो अगर जवाहर भाई कोई आता है तो आप इधर शॉप में, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, तो कोई आता है तो आप उसको गाइड कर सकते हैं, कहीं फ्लावर हॉबीज खरीदने आते हैं तो उसको आप बता सकते हैं क्या कैसे? हम लोग बता सकते हैं, 11 बजे से लेके 8 बजे तक के हमारी शॉप खुली रहती है, डेली 11 AM से 8 PM तक हमारी शॉप है। तो कोई भी आके आपसे तो अगर किसी को भी एड्रेस नहीं मिल रहा, मैप्स के ऊपर 9.9 इंडिया डालोगे तो आपको लोकेशन बता देगा, और आपको शॉप कहाँ पे, कुर्ला वेस्ट में शॉप है मार्केट के पास में, तो आपको गूगल मैप्स डाल के आपको इजीली मिल जाएगा। जवाद भाई, निशान भाई, ताहा भाई, दोनों तीनों भी अवेलेबल रहेंगे कोई भी आपको, तो फिश के बारे में बता देगा। हम लोग यही ऑफिस से
कि आप लोग आइए विजिट करिए रेनबोटेन इंडिया में, देखिए क्या वैरायटीज है, आपको नहीं लेना है तो भी आके कहीं विजिट करिए, देखिए क्वालिटी क्या होती है, फिशेज कैसी रहती है रेनबोटेन इंडिया। ठीक है सो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को सब्सक्राइब किया और आपको वीडियो में पसंद आए जो भी तो लाइक कीजिए, और आपको जो भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में करिए, तो मैं नेक्स्ट टाइम आके मैं अगर वीडियोस बनता तो उसमें मैं पूछ सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।